नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की ओर से रविवार को सांची के एक होटल में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा खूब मस्ती भी की। इस दौरान महिलाओं के बीच साड़ी और श्रृंगार का सामान भी वितरित किया गया। सावन है, इस पूरे सावन में महिलाएं सोलह श्रृंगार करती है। कहेंगे महिलाओं के बारे में। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि ये जो दो सावन पड़ी है, ये सृष्टि का मैंने बहुत ही साल बाद ये योग बना है और ये हमारे हिंदू धर्म में दो मास कहते हैं, तो ये हम बहुत भाग्यशाली है कि इस बार सावन में दो मास के साथ बहुत मैंने इतने खुशी से हम परम मनाएंगे ये भोले बाबा का कि इसका कोई ये नहीं है। लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगी कि कल फर्स्ट सोमवारी है तो बहुत ही उत्साह है महिलाओं में भी और काफी इस बार हरियाली के हम जैसे सावन मनाते हैं महिला, उस तरह इस बार दो बार हुआ है, दो महिला, और इसके चलते आज से शुरू हो गई है और काफी प्रोग्राम हो रही है, तो हमारी माँ बहन बहुत खुश है और कल बहुत ही प्यार से सभी पूजा करेंगे भोले बाबा का और बाबा सबका मनोकामना। सावन आते ही महिलाओं का कारण क्या आखिर? क्योंकि पति के लिए होता है, पहले तो पति के लिए होता है, उसके बाद ही पूरे परिवार के लिए भी होता है और सभी के भोले बाबा तो ओघड़दानी है और वो सभी के सुनते हैं और बेसिकली महिला इसीलिए ज़्यादा खुश होती है क्योंकि सब कुछ हरा हरा देख रहे हैं। मैं भी आज गेटअप पे आई हूँ, पूरा ग्रीन है और मैं रानी दीदी का ये बहुत आभारी हूँ कि मुझे वो अपने ये सृष्टि महिला सही में बुलाई और मान सम्मान दी और मैं उनके महिला ग्रुप में, मैं कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं आगे चल के, आप तो जानते ही हो मैं समाज का सेवा करती हूँ और करते रहूँगी, चाहे हमें कोई भी संस्था से बुलाए, हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। सृष्टि महिला सहयोग समिति के तरफ से सावन महोत्सव रखा गया है, इसको हम सभी बहनों के तरफ से हार्दिक दिल से बधाई और शुभकामना देती हूँ कि हमारी बहनें कहीं भी कम नहीं है। हर साल में 12 महीना कोई ना कोई पर्व त्योहार तो आता ही है, इसके बाद गणेश पूजा आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, छठ आएगी लगातार, लेकिन घर के काम काज करने के बावजूद भी हमारी महिलाएं महिला सहयोग समिति को इतना हाथ बटाना और आज जो मैं देख रही हूँ 1 से 11, 11 से 22 इसी तरह से करके सैकड़ों और हजारों की संख्या में यह समिति आगे। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।